Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the next. हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों 2024 दो का ये पहला प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंडर 20,000 रेंज में मिलने वाला न्यूली लॉन्च जेटको अल्फा एक्स प्रोजेक्टर का रिव्यू दोस्तों अभी के टाइम में ये प्रोजेक्टर आपको रिपब्लिक डे सेल पे सोलह हजार का पड़ रहा है यानी की इसका जो प्राइस है आप सत्रह पकड़ सकते हैं और सत्रह के बजट के हिसाब से इस प्रोजेक्टर के बारे में बात करूँ तो ये मुझे एक जबरदस्त प्रोजेक्टर लगा मार्केट में आपको इस बजट रेंज में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे पर ये प्रोजेक्टर आपको उन प्रोजेक्टर से कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो चलिए जानते हैं कि इस बजट रेंज में इस प्रोजेक्टर में आपको ऐसा क्या क्या मिलने वाला है जो इस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए और क्यों ये इस बजट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर है उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना दोस्तों ये प्रोजेक्टर थाउजेंड एजुलशन वाला फुल एच डी एंड्रोइ प्रोजेक्टर है जो आता है एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ टू जीबी रैम थर्टी टू जीबी इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा इस की ब्राइटनेस ब्राइटनेस का अल्ट्रा जो 600 है यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से और सेवन थाउजेंड इंस टू वन का प्रोजेक्टर इंटेलिजेंट फुल्ली ऑटोमेटिक ग्रीन एडजस्टमेंट के साथ में आता है जैसे ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन करेक्शन ऑटो टिल्ट ऑटो स्क्रीन फिट और ऑटो ऑप्टिकल इस प्रोजेक्ट में आपको नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी जैसे वाईफाई ब्लूटूथ एच डी एम आई यूएसबी एल एन और एसपीडीएफ जैसे कनेक्ट एक्टिविटी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, जो ब्लूटूथ इन और ए आर सी का सपोर्ट मिल जाएगा। इस के इन में आपको साथ में आते हैं आपके पास अलग से अगर कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर या फिर होम थिएटर सिस्टम नहीं है तब भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप एक छोटे से कमरे में काफी अच्छा साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं यह प्रोजेक्टर 4K के को भी सपोर्ट करता है और इस प्रोजेक्टर से आप मैक्सिमम 300 इंच तक स्क्रीन बना सकते हैं इसके अलावा इस प्रोजेक्टर का पावर कंजप्शन जो है वाट का है प्रोजेक्टर आपको फुल्ली ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा जिसमें सामने की तरफ आपको इमेज करेक्शन लेंस प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में आपको हीट वेंटिलेशन ग्रिल प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट प्रोजेक्टर के राइट साइड में एक बड़ी सी डस्ट फिल्टर प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको ट्राइपोर्ट माउंट थ्रेड और सीलिंग माउंट थ्रेड मिल जाएगा प्रोजेक्टर के टॉप में आपको सिर्फ एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा प्रोजेक्टर के लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है तो दोस्तों ये तो थे प्रोजेक्टर के कुछ ऐसे फीचर्स जो इस बजट रेंज में आपको मिलने वाला है अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने बारह बारह के कमरे में सेट किया तो ये प्रोजेक्ट मेरे हंड्रेड एंड सिक्स इंच स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टर कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाती है ये मेरे बारह फीट के कमरे में लगभग हंड्रेड एंड टेन इंच का स्क्रीन बना रहा है इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे ऑटोमेटिक फीचर्स मिल जाएंगे जैसे ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन करक्शन ऑप्टिकल अबॉयस ऑटो स्क्रीन फिट जैसे फीचर्स तो इस प्रोजेक्टर को आप किसी भी वाल या फिर अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ सेटअप करके ऑन करते ही ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है और साथ ही साथ आपको एक स्क्वायर इमेज प्रोवाइड कर देता है फिर भी आपको फोकस फोकस एडजस्ट करना है तो रिमोट पे आपको के दो बटन मिल जाएंगे जिससे आप मेनुअली फोकस एडजस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आप अगर ऑटो फोकस ऑप्शन को ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आपको फोर डी करेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन पे फोर पॉइंट की करेक्शन की मदद से एग्जैक्ट इमेज बना सकते हैं दोस्तों ये एक एंड्रोइ प्रोजेक्टर है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाएंगे जैसे YouTube Prime, Netflix, Hotstar, जिसमें आप YouTube पे 1080p का कंटेंट देख सकते हैं और OTT टी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 480p के रेजुलेशन में देख सकते हैं क्योंकि मार्केट में दोस्तों जितने भी प्रोजेक्टर आते हैं वो L1 लाइसेंस के साथ नहीं आते हैं जिसकी वजह से कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आप किसी भी प्रोजेक्टर में थाउजेंड में नहीं देख सकते आपको ओ प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट को देखना है फुल एच रेजुलेशन में तो आप इस प्रोजेक्टर के साथ एक्सटर्नल डिवाइस जैसे एमेजोन फाइव टिवस्टिक या कोई भी बढ़िया सा ब्रांड का एंड्रॉइड बॉक्स यूज कर सकते हैं मैंने इस प्रोजेक्टर पे अपना अमेजोन फोर के यूज किया है जिसमें प्रोजेक्टर को सपोर्ट करता है जिसे में Prime, या जैसे एप्लीकेशन के कॉन्टेंट को थाउजेंड एटीपी पे देख सकता हूँ साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मुझे थाउजेंड एटी पी सिक्सटी एपी तक का ही रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा हालांकि दोस्तों कंपनी क्लेम करती है की ये प्रोजेक्टर फोर के को भी सपोर्ट करता है तो अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर है जो एमेजोन फाइव टिविस्टिक फोर के या फिर मैक्स पे आपको फोर के सपोर्ट नहीं दिखा रहा है आप इस प्रोजेक्ट के साथ दूसरे ब्रांड के अगर फोर के स्टिक या फिर एंड्रॉइड बॉक्स यूज करें तो वहां पर आपको फोर के का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों USB pen drive के थ्रू भी आप 4K को प्ले कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ फोर के वीडियो को प्ले किया और ये स्मूदली चल जाते हैं दोस्तों आप बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की ब्राइटनेस कलर्स और पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों कंपनी इस प्रोजेक्ट की ब्राइटनेस या सिक्स हंड्रेड एनसी लुमेंस का क्लेम करती है जो स्क्रीन में आपको देखने को मिलता है uh -huh. प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है जो सिंगल नाइन वाट के लाइट ऑन रहने पर भी विजिबिलिटी मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है और किसी भी प्रोजेक्टर से डार्क में आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता ही है तो ब्राइटनेस के मामले में ये प्रोजेक्टर काफी बढ़िया है काफी अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रोजेक्टर की कॉन्ट्रेस रिजल्ट भी काफी अच्छी है कलर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ब्लैक फुल ब्लैक और कलर्स आपको पंची और डीप देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन साउंड कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर कस्टमाइजेशन में आप फ्री प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं या फिर यूजर में जाके आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस कलर सेचुरेशन में इसको भी कंट्रोल करके अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं मगर दोस्तों इस के स्टैंडर्ड मोड पे ही मुझे मुझे इसके कलर्स काफी अच्छे लगे तो मुझे कहीं भी कलर कस्टमाइजेशन या 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 फिर या फिर ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी फिर भी आपको लगता है की थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करना चाहिए तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस में आपको तीन मोड देखने को मिल जाएगा एक नॉर्मल मोड जो प्रोजेक्टर ऑन करते ही आपको देखने को मिलेगा जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है इसके अलावा दोस्तों आपको एक ब्राइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे ऑन करने पर प्रोजेक्ट की ब्राइटनेस ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है 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 साथ साथ ही फैन साथ का नॉइज भी जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि बढ़ने की वजह से फैन की स्पीड भी बढ़ जाती है वही उसके नीचे अगर देखेंगे तो आपको साइलेंट मोड देखने को मिल जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है साथ ही साथ फैन की नॉइज भी कम हो जाती है इस प्रोजेक्ट में आपको एच डी एआरसी का भी सपोर्ट मिल जाता है मगर दोस्तों यहाँ पर एस का सिर्फ एक ही पोर्ट आपको देखने को मिलेगा जिसे आप अगर इस प्रोजेक्टर के इन एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो एस डी के थ्रू अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं मगर आप एस के थ्रू कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे एमेजोन फाइव टीवी स्टिक या फिर कोई भी एंड्रॉइड बॉक्स और अपने साउंड बार के लिए आपको ऑडियो आउटपुट की जरूरत है तो आप एस का भी यूज कर सकते हैं जिसे अपने साउंड बार से थिएटर वाला क्रिस्टल क्लियर साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं कुल तो cool मिला के अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्टर के बारे में अंडर 17,000 जिस तरह का फीचर्स जिस तरह की पिक्चर क्वालिटी ब्राइटनेस आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू देखने को मिल रही है जिस तरह का रिजल्ट जिस तरह का परफॉर्मेंस आपको इस प्रोजेक्टर से मिलने वाला है इस बजट रेंज में ये प्रोजेक्टर वन ऑफ द बेस्ट इसी वजह से है टू में आपका बजट अगर सत्रह या उसके आस है और आप एक बढ़िया सा प्रोजेक्टर परचेस करना चाहते हैं इस बजट रेंज में तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपको अगर ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा